तो चले गाइस, आज मैं आप लोगों को सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट कैसे मतलब बनाए वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जस्ट वीडियो पर बने रहिए गाइस, आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सिंपली जाएंगे अभी यहाँ पर, तो देखिए गाइस, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। रिसेंट, तो फाइनली गाइस मैं इसका अंदर में आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट का। और उसके बाद देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ में लॉगिन कर, ये सब लॉगिन कर देने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ में सिंपली क्या लिखना है, सिंपली इलेक्टोरल लिख देने के बाद में आप लोग देख सकते हो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो देखिए गाइस इसके ऊपर में क्लिक कर देना है, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी इसका सर्विस लेने के लिए देखिए गाइस अभी आपको जस्ट कुछ भी करना नहीं होता है, जस्ट आपको गो बटन पर क्लिक कर देना है। गो बटन पर क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ में दिखाई देगा डिपार्टमेंट, और यहाँ में फ्रॉम टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल, और यहाँ में ऑनलाइन बोल के दिखाई देगा अप्लाई के नीचे में। तो सिंपली देखिएगा अप्लाई के नीचे में ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पर क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ में एक सबमिट ऑनलाइन बोल के मिलेगा। तो देखिएगा अभी इसके ऊपर में सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक कर देने के बाद में देखिएगा अभी आपके सामने में वोटर तालिका प्रत्यायित प्रतिलिपि, जो कि इसका ये आसाम इसमें ट्रांसलेट है, और आप लोग देख सकते हो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो ये है। और देखिए गाइस अभी आपको हमें लैंग्वेज ऑफ सर्टिफिकेट का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी चाहिए। ये हमें 4 लैंग्वेज दिया हुआ है, तो गाइस देखिए अभी सिंपली अपना हिसाब से इस तरीके से ये हमें सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए गाइस जो भी लैंग्वेज में चाहिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें एप्लीकेंट का नेम जो भी है, हमें मिस्टर मिसेस जो भी है वो आपको देना है, और ये हमें नाम लिख देना है उनका। ये हमें मोबाइल नंबर दे देना है, स्टार मार्क है, स्टार मार्क का मतलब है मैंडेटोरी है, तो मोबाइल नंबर देना है, और जहां पर स्टार मार्क नहीं है वो आप लोग ब्लैंक छोड़ सकते हो। देखिए गाइस अभी सिंपली ये सब देने के बाद में आपको यहाँ में स्टेट डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन सर्कल ऑफिस ऑफिस नेम हाउस नंबर मौजा विलेज ऑफ टाउन पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट ऑफिस सॉरी पिन कोड, तो ये सब दे देना है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ में नेम ऑफ LSC मतलब यहाँ में विधानसभा नाम मतलब विधान सभा का नाम यहाँ में दे देना है। उसके बाद यहाँ में LSC विधानसभा का नंबर दे देना है। उसके बाद देखिएगा इसे हमें नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन वोटदान केंद्र और नाम मतलब आपने वोट कहाँ पर पहले दिया है लास्ट टाइम में, तो वो आपका मतलब उसका जगह का नाम यहाँ में दे देना है, प्लेस का नाम। उसके बाद यहाँ में पोलिंग स्टेशन ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर, तो यहाँ में नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन नेम दे देना है, कौन सा स्कूल में कौन सा LP स्कूल में आपने दिया है, और यहाँ में पोलिंग स्टेशन नंबर यहाँ में नंबर दे देना है। उसके बाद पार्ट नंबर, उसके बाद यहाँ में GP, और ये पार्ट नंबर GP और वार्ड नंबर। उसके बाद देखिए इस ईयर ऑफ इलेक्टोरल मतलब पार्ट नंबर और GP और गांव पंचायत और वार्ड नंबर, मतलब ये आपको नहीं देने से भी हो जाएगी क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। और यहाँ में आप लोग देख सकते हो ईयर ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो यहाँ में वोटर तालिकार बोसोर बोली यह लिखा से, और यहाँ में आप लोग देख सकते हो सिंपली ईयर ऑफ इलेक्टोरल रोल आपको यहाँ में दे देना है। उसके बाद देखिएगा इसमें वोटर लिस्ट सीरियल नंबर आपका मतलब वोटर लिस्ट आपको देखना है ऑनलाइन में, आप लोग इजीली चेक कर सकते हो आपका वोटर का लिस्ट का नंबर क्या है, तो वो लिस्ट का नंबर आपको निकल के हमें दे देना है। मतलब देखिएगा ये BLO के पास में भी होता है, जो कि आप लोग मतलब अपना जो भी एरिया है और उस एरिया का मतलब BLO के घर में जाके आप लोग ले सकते हो ये नंबर सीरियल नंबर वोटर लिस्ट ले सकते हो। उसके बाद वोटर नेम, जो कि वोटर का नेम आपको यहाँ में नाम लिख देना है। उसके बाद हमें फादर नेम मादर नेम हस्बैंड जो भी है वोटर लिस्ट में, तो वो आपका मतलब देखना है रिलेशन में कौन सा है, तो वो आपको देख के हमें दे देना है। उसके बाद देखिए जैसे हमें वोटर जेंडर, तो ये हमें जेंडर सिंपली बहुत ही इजी है गाइस, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। वोटर एज और वोटर का मतलब एज क्या है वो लिख देना है। उसके बाद देखिएगा सिंपली हमें एड वन रो और भी आप लोग ऐड कर सकते हो, इस तरीके से ऐड कर सकते हो अपना हिसाब से, जितना आप लोग करना चाहते हो उतना ही आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हो, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो, तो अपने हिसाब से करना है।
और अटैचमेंट सेक्शन में देखिएगा इस डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना होता है। यह में ज्यादा कुछ नहीं है, यह में एनी अदर डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड, वोटर स्लिप, प्रीवियस वोटर लिस्ट का होने से भी हो जाएगा, जो कि वो आपको यह में दे देना है। मैंडेटरी नहीं है क्योंकि गैस इसमें स्टार मार्क नहीं है। और सिंपली अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म यह में दे देना है। उसके बाद हमें अपलोड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म, यह में नंबर ऑफ पेजेस दे देना है। उसके बाद देखिए हमें पेजेस ऑफ स्कैन कितना किया है वो दे देना है। उसके बाद हमें ये कैप्चर सिंपल फिल करके हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए अगर आप लोग सिटीजन से कर रहे हो तो आपका 30 रुपीज चार्ज लगेगा, अगर आप लोग मतलब सीएससी से कर रहे हो तो गैस देखिए इसमें ओनली 10 रुपीज समथिंग आपका मतलब चार्ज लगता है। तो इस तरीके से इजीली आप लोग घर बैठे ही कर सकते हो, वो भी अपना मोबाइल से। तो देखिए गैस यही था मेरा आज का वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए। आज का मेरा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।